आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम यहां बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं, उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी, और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि वहां के लोग ये बाली यात्रा के स्मरण में एक स्पर्धा चला रहे हैं। कहते हैं कि कागज के नाव बना करके बहाए जाएंगे और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के मूड में है। इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनका शरीर वहां है लेकिन मन बाली में है, आप लोगों के बीच में है। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।